वेलकम टू अवर YouTube चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सिक्स और आज की एक्सरसाइज है 4.4। सो इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न हाउ टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ एनी नंबर, राइट। तो इसमें हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टर, जो फैक्टर होते हैं हमारे, प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन को। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर वन दिया गया है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, 64 का हमें फैक्टराइजेशन करना है, वो भी क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखेंगे किस तरह से हम इसको करते हैं, वेरी इजी। 64 को हम ऐसे ही नोट करेंगे जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, राइट। 64, अब 64 को इस ऐसे छोटे छोटे नंबर से हमें डिवाइड करना है जो आसानी से डिवाइड हो जाए, कट जाए। इसे 2 से हम कर लेते हैं, लास्ट में इवन नंबर 4 है जो यूनिट प्लेस पर है, 4 है, तो ये 2 से कट हो जाएगा। तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पर क्या हो गया, 32 टाइम्स ये कट हो गया है। फिर से ये 2 से कट हो सकता है, तो 2 1 जा 2 1 बच गया है, यहाँ से देखो 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, राइट। नाउ फिर से 2 से कट हो जाएगा, 2 4 जा 8, अगेन बाई 2 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो लास्ट में जब तक हमारा 1 ना आ जाए, या फिर यहाँ पर लास्ट में कोई नंबर ऐसा ना हो जो किसी नंबर से दूसरे से कट रहा है, तो यहाँ पर जब तक 1 ना आ जाए तो तब तक हमें इस प्रोसेस को करते रहना है। तो ये कितने टाइम चला, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हम 2 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर क्या फाइंड होगा, 64। सो वी कैन राइट 64 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ही पार्ट बी जो है बिल्कुल आपका सेम है, करना है आपको योर सेल्फ। सी पार्ट देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। सी पार्ट में दिया गया है 225 का हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ओके, वो भी प्राइम। तो क्या करेंगे हम, इसको नोट करेंगे 225 को, और ये अब 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस पर कितना नंबर है, 5 दिया गया है, ओके। तो ये कट किससे होगा, 3 से कट कर लेते हैं, 3 7 जा 21, तो यहाँ से 1 बच गया, 15 हो गया, तो 3 5 जा 15, अगेन बाय 3 हम करेंगे तो 3 2 जा 6 1 बचा, क्योंकि 7 में से 6 गया 1 बच गया, तो 3 2 जा 6 1 बचा, तो 15 हो गया, 3 5 जा 15। अभी 3 से कट नहीं होगा, किससे कट होगा, 5 से, तो 5 5 जा 25, अगेन बाय 5 हम करेंगे तो 5 1 जा 5 यहाँ बच जाएगा, ओके। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसको, फिर से 5 से हमने कर दिया था, तो 5 1 जा 5 1 बचा, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। तो इसको हम लिखेंगे 225 का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। सो ये हमारा क्या होगा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखें, राइट। बाकी जो पार्ट है प्यारे बच्चों आपको करने हैं योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि सबसे छोटा जो है, स्मॉलेस्ट मीन्स जो सबसे छोटा है और 4 डिजिट का जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, इक्वल टू 1000, क्योंकि 1 के आगे 30 1000 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो अब इसके प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, वन थाउजेंड हमने लिखा, अब इसे क्या, किससे करेंगे, 2 से, क्योंकि हमारे जो फैक्टर होंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है, वो नंबर जो भी फैक्टर में आएंगे वो प्राइम होने चाहिए, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो आप जानते हैं, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर
राइट क्या होता है प्राइम प्राइम नंबर जो किसी या तो अपने आप से कटे या वन से कटे बाकी किसी और नंबर से कटना है। सो यहाँ पर टू है तो टू से करेंगे टू फाइव या टेन, टू जीरो ऐसे ही नोट कर लिया। फिर से टू से हमने किया टू टू या फोर, वन बचा टेन हो गया, टू फाइव या टेन और जीरो, अगेन टू वन जा टू, टू टू जा फोर, वन बचा टेन हो गया, टू फाइव या टेन। अभी टू से नहीं कट होगा, फाइव से कट होगा तो फाइव से कर लेते हैं, फाइव टू जा टेन और टू बच गया ट्वेंटी फाइव, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, अगेन बाई फाइव, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव और फाइव वन जा फाइव, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, वन आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 1000 इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव, ये क्या होगा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। टू भी प्राइम नंबर है और फाइव भी प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर थ्री की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर। अभी हमने पिछले उसमें बात की थी स्मॉलेस्ट की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो और फोर डिजिट का हो। तो वो क्या होगा, लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर इक्वल टू फोर टाइम्स हम नाइन नाइन लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर, यानी कि 9999। अब इसके करेंगे फैक्टर्स, तो इसे थ्री से कट कर लेते हैं, थ्री थ्री जा नाइन, फिर से थ्री थ्री जा नाइन, अगेन बाय थ्री एंड थ्री, ओके थ्री थ्री जा नाइन। सो थ्री से हम करेंगे थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री एंड थ्री वन जा थ्री। अब ये किससे कटेगा, इलेवन से, तो इलेवन वन जा इलेवन और यहाँ तो कुछ बचा नहीं तो जीरो लगा दिया, इलेवन वन जा इलेवन। अब ये 101 से ही वन टाइम कटेगा, कोई और दूसरे नंबर से ये नहीं कर पाएगा। और ये सभी क्या है प्राइम नंबर से, थ्री भी प्राइम है, इलेवन भी प्राइम है, क्योंकि इलेवन भी या तो वन से कटेगा या अपने आप से कटेगा, बाकी कोई टू थ्री फोर किसी नंबर से नहीं कटता। ऐसे 101 और तो क्या है प्राइम नंबर है। सो इसे हम लिख सकते हैं 9999 इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई इलेवन मल्टीप्लाई 101, ओके। सो प्यारे बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करें इन सभी क्वेश्चंस की, मेहनत करें प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस चाहता है, ओके। एज यू प्रैक्टिस, एज यू डू द प्रैक्टिस, यू विल बिकम द परफेक्ट, ओके ओके, थैंक यू। अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर मिलेंगे एक छोटी सी वीडियो के साथ।